सूबे भर में फूड अथॉरिटी का नाकिस दूध के सप्लाई के खिलाफ क्रैकडाउन। डेयरी सेफ्टी टीमों की शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी। डेयरी सेफ्टी टीमों की शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की गई और 37 गाड़ियों में 5551 लीटर मिलावटी दूध को तलब कर दिया गया। सूबे भर में पंजाब फूड अथॉरिटी का नाकिस दूध की सप्लाई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजीद तफसीला जानते हैं इमरान यूनस से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी की डेयरी सेफ्टी टीमों ने मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर समेत सूबे के दिग्गज शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगाकर दाखिल होने वाले दूध को चेक किया है और सुबह भर में 229 गाड़ियों में मौजूद 15833 लीटर नाकिस दूध मौके पर तलब कर दिया गया है। टोटल 1929 गाड़ियों में मौजूद 3,13,000 लीटर को दूध को चेक किया गया था, जिसमें 15,000 से जायद लीटर दूध जो है वो नाकिस मिला था। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध में मिकदार और गाढ़ापन बढ़ाने के लिए मुजरे से केमिकल पाउडर, यूरिया और पानी की मिलावट जो है वो मौके पर पाई गई है। कई गाड़ियों में मिलावटी और केमिकल ज्यादा नाकिस दूध बर्फ डालकर महफूज किया जा रहा था। जी बहुत शुक्रिया इमरान यूनस अपडेट करने के लिए।